वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार पटवारी का एग्जाम हुआ था 2017 में, उस एग्जाम में जो पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश में जो आने वाली वैकेंसी है पटवारी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, क्या लेवल रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह पेपर 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट वन का है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ वह क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2010 तक मध्य प्रदेश में प्रमाणित जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र क्या था? तो इसका आंसर है 1.48 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए कौन सा नामित प्राधिकारी है? तो है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायतों के अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए कितने प्रतिशत हैं सीट आरक्षित हैं? तो है 25% सीट OBC के लिए आरक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत BPL परिवारों को गेहूँ की आपूर्ति किस दर पर की जाती है? तो यह 1 किलो प्रति ग्राम के दर पर की जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अमला रहा सीहोर में स्थापना को मंजूरी दे दी है, किसको मंजूरी दे दी है? खाए फलिया रिसर्च प्लेटफॉर्म FLRP को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? तो स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत कवर की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है? तो यह मनरेगा के अंतर्गत कवर की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या 26,500 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, लाहिड़ी समिति इससे संबंधित थी? तो खाए तेलों की मूल संरचना की संबंधित थी लाहिड़ी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 1971 में की अध्यक्षता में वाली विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि निकट भविष्य में प्रायोगिक तौर पर भी फसल बीमा को शुरू करना उचित नहीं होगा। किसने निकाला था? धर्म नारायण ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तीनों स्तर पर पंचायती राज प्रणाली उन सभी राज्यों में स्थापित की जाएगी जिनकी आबादी कितनी है वह 20 लाख से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इस चैनल पर कई इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया था? तो है अनुसूची 5 है, उसमें आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में चावल तिरीबीकरण की प्रणाली ASI का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी चावल की खेती में उत्पादकता बढ़ाना इसकी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो एक गांव का सर्वांगीण विकास करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए स्थान पर आधुनिक प्रजाति के बीज उपलब्ध होंगे किस ग्राम सहकारी केंद्र पर? होंगे किसानों के लिए आधुनिक प्रजाति के बीज उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से संबंधित है? तो आप यहाँ देख सकते हैं वो लाग पुरस्कार कृषि से क्षेत्र में दिया जाता है। पंचायत स्तर पर परियोजना स्वयं जलधारा किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में आत्मनिर्भरता लाना इससे संबंधित है। नेक्स्ट, संसद आधारित ग्राम योजना के अंतर्गत परियोजना पहलों का संचयन निम्न में से किस नाम से किया जाता है? तो वह संकलन है, इस नाम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना का निम्नलिखित में से क्या एक उद्देश्य नहीं है? तो अन्य सभी प्रकार की खेती का उन्मूलन करना इसका एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया, कब किया गया था? तो 1986 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट इसमें है, 2010 में रेशम के कीड़ों के बहुपरंजी शंकरों के पालन से राज्य द्वारा भारत में कुल रेशम के उत्पादन का लगभग 85% योगदान किया जाता है, किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य द्वारा। तो दोस्तों है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी कई रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।